फाइनली बहुत महीनों की प्रतीक्षा करने के बाद पठान के सक्सेस को मद्देनजर रखते हुए आज शाहरुख खान की अगली मूवी जवान का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी के साथ ये जवान का टीजर भरपूर एक्शन के साथ रिलीज हुआ है, जहां हमें पहली बार शाहरुख खान ऐसे खतरनाक एक्शन अवतार में दिखाई देंगे। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले किसी भी मूवी में शाहरुख खान ऐसे एक्शन अवतार में। शाहरुख खान स्टारर मूवी जवान 2023 की एक मौत साइड मूवी में से एक है। जवान मूवी में जो दिखाई जाने वाला है वो आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में दिखाया गया नहीं है, ऐसा मेकर्स का कहना है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जानी मानी टैलेंटेड एक्टर एटली ने। जहाँ शाहरुख खान तो मूवी में ही उसके साथ साथ हमें इस मूवी में नयनतारा, विजय सेतुपति, सानिया मल्होत्रा, जोगी बाबू के साथ साथ दीपिका पादुकोण और थालापति विजय का भी कैमियो होने वाला है। आप बस अब ये सोचिए कि जब शाहरुख खान, थालापति विजय और विजय सेतुपति एक साथ बड़े पर्दे में टकराएंगे तो थिएटर में क्या आग लगने वाली है। कैन यू जस्ट इमेजिन। टीजर में हमें जवान मूवी के एक अलग ही दुनिया को दिखाई गई है, जो आज तक मैंने तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं देखा है। एक्शन पैक टीजर में वो सारे एलिमेंट्स है जो शाहरुख के फैंस उनसे उम्मीद कर रहे थे। टीजर शुरुआत होती है ग्रैंड विजुअल्स के साथ, उसके ऊपर ऐसा की दमदार वॉइस से शाहरुख का फेस जिस तरह से रिवील होता है ना, टोटली गूज़बम्प्स, माइंड ब्लोइंग। टीजर में जो शाहरुख खान का लुक है ना, कमाल का है। उसके ऊपर से शाहरुख खान का मल्टीपल डिफरेंट लुक्स तो ऑडियंस को घायल कर ही देगी। शाहरुख खान की एंट्री होने के बाद मूवी का डिफरेंट कैरेक्टर के साथ हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। टीजर में सिर्फ कैरेक्टर पर ही नहीं बल्कि स्टोरी में भी फोकस किया गया है, जिसकी वजह से हमें इस मूवी को देखने के लिए जो एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है उसको हम बता भी नहीं सकते। सिर्फ 2 मिनट के टीजर में जो एक्शन डायरेक्टर आटली ने दिखाया है ना, वो पूरे पठान मूवी के एक्शन से बढ़िया था। जब जब हमें टीजर में शाहरुख की एंट्री होती हुई दिखाई देती है ना, टोटली गूज़बम्प्स देता है। हर एक सीन टोटली गूज़बम्प्स देने में कामयाब होता है। और शाहरुख खान की जो जवान वाले लुक है, बुढ़ापा वाला लुक और जो आर्मी वाला लुक है ना, सभी लुक एक दूसरे में बहुत डिफरेंट है और अमेजिंग लग रहे हैं। टीजर में जो विजुअल्स दिखाए गए हैं वो टोटली अमेजिंग है। जितने भी वीएफएक्स वाले शॉट्स है वो भी बहुत कन्विंसिंग लग रहे हैं। ऊपर से जो टीजर में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है वो टीजर को एलिवेट करने में कामयाब होता है और हमें गूज़बम्प्स मूवमेंट दिलाने में कामयाब होता है। जितने भी डायलॉग्स टीजर में इस्तेमाल किए गए हैं वो डायलॉग्स सभी अच्छे हैं और सभी डायलॉग्स मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। टीजर शाहरुख खान के डायलॉग से ही शुरुआत होती है और अंत में भी शाहरुख खान की डायलॉग से ही अंत होती है। टीजर को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि शाहरुख ही इस मूवी में हीरो और मेन विलेन का किरदार निभाने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं शाहरुख खान पहले तो एक रोमांटिक बॉय हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो आर्मी को ज्वाइन करता है तब जिस तरह से वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन होता है, शायद यही मूवी में दिखाया जाने वाला है। शाहरुख खान का विलेन वाला कैरेक्टर सिर्फ डेंजरस ही नहीं, वो साइको भी हो सकता है, क्योंकि आप उसे ट्रेन में जिस तरह से डांस करते हुए दिखाई दे रहा है वो सिर्फ साइको किलर ही कर सकता है। शाहरुख खान का डबल रोल हो सकता है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अटली कुमार की हर एक मूवी में डबल रोल एक कॉमन चीज ही होता है। थालापति विजय के साथ बहुत मूवी अटली ने बनाई है और सभी मूवी में थालापति की 2 से 3 डिफरेंट लुक्स के साथ साथ डिफरेंट रोल भी हैं। ओवरऑल जवान प्रीव्यू या कहें टीजर बहुत अच्छा है और ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में कामयाब होती है और सभी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है। इस मूवी के जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं अगर उसको रिवील नहीं करते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि अगर हम थिएटर में डायरेक्ट देखते हैं तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता, जैसे हमने विक्रम में सूर्य का कैरेक्टर या कहे रोलेक्स को देखा था। ओवरऑल ये मूवी को देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो एक्साइटमेंट टीजर ने क्रिएट की है वो शायद ट्रेलर उसे और बढ़ाएगा और जो मूवी देखने को मिलेगा ना वो तो हमारे होश ही उड़ा देगा, क्योंकि थालापति विजय, विजय सेतुपति, SRK सभी एक साथ होंगे तो थिएटर में जो आग लगने वाली है उसके बारे में तो हम बढ़ान भी नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को भी